और सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। पहचान तो गए होंगे ही इन्हें, भरे मंच से अपनी ही पार्टी के सांसद की फिरकी लेने वाले ये योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद हैं। मंत्री से अब सांसदी का चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी ने इन्हें पीलीभीत का किला फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी वरुण गांधी और उनके परिवार का पीलीभीत से 35 साल पुराना नाता तोड़कर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी की। यूपी के लिहाज से देखें तो यह राज्य की दूसरी लिस्ट है। इस लिस्ट में बीजेपी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर वरुण गांधी की जगह जितेंद्र प्रसाद को पार्टी ने क्यों चुना, या पार्टी ने कहीं जितेंद्र प्रसाद को यहाँ फंसा तो नहीं दिया है। लेकिन पहले क्यों चुना ये जान लेते हैं। एक वक्त में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खास रहे जितेंद्र प्रसाद को बीजेपी ने ज्वाइनिंग के बाद से ही महत्व दिया है। पार्टी ने उन्हें पहले विधान परिषद भेजा, फिर योगी सरकार में सबसे अहम विभाग पीडब्ल्यूडी का कैबिनेट मंत्री बनाया और अब पीलीभीत जैसी महत्वपूर्ण सीट से उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए 51 साल के जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद ने अपना राजनीतिक करियर साल 2001 में कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस के साथ महासचिव के तौर पर शुरू किया था। साल 2004 में उन्होंने अपने गृह जिले शाहजहांपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। साल 2009 में धौरहरा से चुनाव जीते। 2012-14 तक जितेंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन अब एक मुश्किल भरी राह पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जितेंद्र प्रसाद का मुकाबला मुमकिन हो वरुण गांधी से ही हो, क्योंकि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि पीलीभीत के टिकट के ऐलान से बहुत पहले वरुण गांधी ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। दरअसल वरुण और उनकी मां मेनका गांधी का इस सीट से करीब 35 साल पुराना नाता है। वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने तकरीबन 35 साल का सिलसिला तोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेनका गांधी ने सीट पर पहली बार 1989 में चुनाव लड़ा था। मेनका गांधी ने 2004 तक इस सीट पर चुनाव लड़ा और जीती भी। इसके बाद 2009 में वरुण गांधी ने जीत का परचम लहराया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से पीलीभीत से मेनका गांधी को टिकट दिया, उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि 2019 के चुनाव में पार्टी ने पीलीभीत से वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया, तब वरुण गांधी ने करीब 2.5 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीता था। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी ने जितेंद्र प्रसाद को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाकर उन्हें फंसा दिया है, क्योंकि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2019 वाला नतीजा दोहरा सकते हैं।